वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। आज के वीडियो में हम काम करने वाले हैं इस महिंद्रा XUV 500 पे। इस पे हम करने वाले हैं एक्सटीरियर डिटेलिंग एंड सिरेमिक कोटिंग, साथ ही साथ हम इसका इंटीरियर क्लीन करने वाले हैं। और इसके हेडलाइट्स काफी डल हो चुके हैं, तो हम सैंड करके इन्हें भी जितना रिस्टोर कर सकते हैं उतना करेंगे। गाड़ी पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस एंड मार्क्स हैं। ये जो पर्पल कलर है ये बहुत ज्यादा डल हो चुका है। हमारा जॉब रहेगा इस पे ज्यादा से ज्यादा ग्लॉस एनहांस करना और इसका नए जैसा लुक वापस लेके आना। वीडियो का मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ हम लोग एंड फिनिश भी देखेंगे कि गाड़ी कैसी दिखती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी पर से हमने वाटर मार्क्स हटाए हैं। ये मार्क्स आपने अपने वॉशरूम में टैप के ऊपर भी देखे होंगे, खारे पानी से ये जमा हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने कई जगह पे डिटेलिंग ब्रश का यूज किया है इसे हटाने के लिए, और कई जगह पे हमने टूथब्रश का यूज किया है। हार्ड वाटर हटाने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक है वो केमिकल जिससे ये हटाया जाता है, और दूसरा वो ब्रश जो उसको हटाने में मदद करता है। अब क्योंकि केमिकल अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो गाड़ी के पेंट को और क्रोम पार्ट्स को डैमेज होने का चांस है, इसलिए हम केमिकल बहुत लाइट बनाते हैं। पर कई जगह पे जहां पर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर जमा हो जाता है वहां पर हमें डिटेलिंग ब्रश से टूथब्रश पे शिफ्ट होना पड़ता है ताकि वो दाग निकल सके। बहुत सालों के यूज के बाद गाड़ी पर कभी कभी इतने ज्यादा हार्ड वाटर स्टेन्स हो जाते हैं कि उनको निकालना काफी ज्यादा चैलेंज हो जाता है। इस गाड़ी पर एक्चुअली हमने फुल कार सैंडिंग लिया नहीं था। जब गाड़ी आई थी तो इतना पता नहीं चल रहा था मार्क्स एंड स्क्रैचेस। सैंडिंग हम अभी भी इसको नहीं कर रहे हैं, दैट मींस क्लाइंट को हमने इसके लिए चार्ज नहीं लगाया है। पर लाइट लाइट हमने इन एरियाज पे सैंड पेपर मार दिया है। वो हमने इसलिए मारा है क्योंकि गाड़ी पर पेंट के स्पॉट्स गिरे थे, और वो निकालने का तरीका यही है कि हम इसे सैंड पेपर से रिमूव करें। मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको दिखाया था कि सैंडिंग पूरी कंप्लीटली करनी चाहिए, बट वो तब है जब हम ऑरेंज पील कट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कई स्पेसिफिक एरियाज पे सैंड पेपर चलाया और पूरा उसे इवन भी नहीं किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा यहाँ पर जॉब सिर्फ था कि ऊपर जो पेंट के दाने हैं उनको हटाना। लाइट लाइट सैंडिंग करके इस तरीके के स्क्रैचेस जो अभी दिख रहे हैं ये कंपाउंडिंग करने पे पूरे निकल जाएंगे, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। So don't believe everything you read. You
इंटीरियर पे कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग का काम पूरा हो चुका है, अब हम गाड़ी पर इंटीरियर क्लीनिंग का काम शुरू करने वाले हैं। इसे हम इस ऑर्डर में इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि एक्सटीरियर कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा पाउडर एंड डस्ट जो है वो गाड़ी पर जाता है। अगर हम इंटीरियर पहले ही क्लीन कर लेंगे तो ये सारा डस्ट जब भी हम दरवाजा खोलते हैं वापस इंटीरियर में जा सकता है और इंटीरियर क्लीनिंग का काम हमें दोबारा करना पड़ेगा। हमने हमारे एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि ऐसा करने से हमारा टाइम भी बचता है और कस्टमर को गाड़ी रिलेटिवली जल्दी हम दे पाते हैं। गाड़ी के इंटीरियर क्लीनिंग का काम हमने अब पूरा कर लिया है, अब हम गाड़ी को वापस वॉशिंग के लिए लेने वाले हैं। आपने इस वीडियो में नोटिस किया होगा हम गाड़ी को ऑलरेडी एक बार वॉश कर चुके हैं, वो हमने इसलिए किया था ताकि सारी मिट्टी और गंदगी हम गाड़ी पर से निकाल सके। अब कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग के बाद क्या होता है, गाड़ी पर काफी ज्यादा पाउडर रह जाता है क्योंकि कंपाउंड जब हीट की वजह से ड्राई आउट हो जाते हैं तो एक पाउडर फॉर्म छोड़ देते हैं। इसके लिए कभी कभी हमें गाड़ी को सेकेंड टाइम वॉश करना पड़ता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा करना पड़े, ये डिपेंड करेगा कि गाड़ी पर कितना कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग करना पड़ रहा है और वो डिपेंड करेगा गाड़ी कितनी पुरानी है और यूज किस तरीके से हुई है। आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा जब मैंने आपको बोनट के बिफोर शॉट्स दिखाए थे कि बोनट पे काफी ज्यादा छोटे 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 दाग थे। अब वो छोटे छोटे दाग एक्चुअली स्टोन चिपिंग्स हैं। गाड़ी जब भी हाईवे पे चलती है और छोटे छोटे पत्थर आके जब गाड़ी को लगते हैं तो वहां पर वो पेंट को डैमेज कर देते हैं, पेंट का टॉप लेयर निकल जाता है और वहां पर एक परमानेंट गड्ढा रह जाता है। अब क्योंकि वहां से परमानेंटली पेंट रिमूव हो चुका है तो अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका एक ही सोल्यूशन है, या वो ब्रश से भरा जाए या फिर उस एरिया को वापस पूरा पेंट किया जाए। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप अपनी पूरी गाड़ी पे पीपीएफ नहीं करा सकते और आपके बजट के बाहर जा रहा है तो एटलीस्ट बॉनेट को आपको पीपीएफ जरूर कर लेना चाहिए। इसके दो बड़े कारण है, पहला गाड़ी का पूरा लुक बॉनेट से आता है, यू नो बॉनेट एक सेंटर पीस है जो गाड़ी का पूरा लुक एनहांस कर देता है, और दूसरा ये है क्योंकि जब गाड़ी सामने की तरफ मूव होती है तो सबसे पहले बोनट पर ही पत्थर आके लगते हैं। बम्पर तो क्योंकि प्लास्टिक का है आप उसको रीपेंट भी करा सकते हैं, और कल को जब आप गाड़ी बेचने जाएंगे तो कोई भी पेंट थिकनेस गेज से उसका मेजरमेंट नहीं बता पाएगा क्योंकि पेंट थिकनेस गेज जो है वो मेटल पैनल्स पर ही काम करता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि बोनट पर आप एटलीस्ट पीपीएफ करा ले। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि गाड़ी का ये एंड लुक आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रोटोमोटिव, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।